हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, नेपाल के अंदर जो चीन की राजदूत है हाओ व्यांग की, वो नेपाल को छोड़कर जा रही है। और दोस्तों, नेपाल छोड़ने से पहले हाओ व्यांग की ने नेपाल के लिए बहुत ही बड़ी बात कही है, नेपाली लोगों के लिए उन्होंने बहुत ही बड़ी बात कही है। वो ये जो बात उन्होंने कही है, ये सबको सुननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि जो नेपाल के अंदर चीन की राजदूत थी हाओ व्यांग की, वो नेपाल क्यों छोड़ रही है और उन्होंने नेपाल के लिए क्या कहा है, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो दोस्तों, नेपाल में जो चीनी राजदूत है हाओ व्यांग की, उनका कार्यकाल अब पूरा हो चुका है और कार्यकाल पूरा होने के बाद वो नेपाल को छोड़कर जा रही है। और दोस्तों, नेपाल छोड़ने से पहले उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट की और उन्होंने कहा कि मैं अपने सबसे अच्छे मित्र देश और सबसे अच्छे खूबसूरत पड़ोसी देश नेपाल को छोड़कर जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा कार्यकाल पूरा हो चुका है, मैंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और इसके बाद अब मैं अपने मित्र देश और सबसे सुंदर पड़ोसी देश नेपाल को छोड़ के जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैं सभी नेपाली दोस्तों को अपना सबसे ईमानदारी से धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं नेपाल में अपने प्रवास के दौरान जीवन के सभी क्षेत्रों के दोस्तों के साथ की गई गहरी दोस्ती को हमेशा संजो कर रखूँगी। यानी दोस्तों, हाओ व्यांग की का जो कार्यकाल है वो कंप्लीट हो चुका है और इस दौरान उनके जितने भी दोस्त थे उनको उन्होंने ईमानदारी से धन्यवाद कहा है और जिसने उनके साथ गहरी दोस्ती निभाई, उन्होंने कहा है कि मैं इस दोस्ती को, नेपाल के लोगों को और नेपाल को हमेशा याद रखूँगी, कभी भी नहीं भूल सकती। और दोस्तों, नेपाल में हाओ व्यांग की का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने स्पीकर अग्नि प्रसाद सपकोटा से भी और जो गृह मंत्री है बालकृष्ण खंड, उनसे भी शिष्टाचार भेंट की है। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल बहुत ही खूबसूरत देश है और नेपाल के सभी लोग बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही अच्छी उन्होंने दोस्ती निभाई और अपने कार्यकाल के दौरान मुझे ये पता ही नहीं चला कि मेरा जो इतना समय है ये नेपाल के अंदर कब पूरा हो गया, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। इसलिए मैं नेपाल को धन्यवाद करती हूँ, नेपाल के लोगों को मैं कभी नहीं भूल सकती और मुझे दुख हो रहा है कि मैं नेपाल को छोड़कर जा रही हूँ। दोस्तों, इस प्रकार उन्होंने नेपाल को धन्यवाद कहा है अपने कार्यकाल के दौरान, जिस प्रकार नेपाल ने और उन्होंने वहां पर अपना समय बिताया है वो उसे हमेशा संजो कर रखना चाहती है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हाओ व्यांग की के बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और अच्छी अपडेट के साथ।